सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही किसानों के हितैषी होने के बड़े बड़े वायदे करते हों, लेकिन धरातल पर देखें तो किसानों की हालत वास्तविक दयनीय है। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर एतमादपुर किसानों ने किसान पार्टी के तत्वावधान में किसान यात्रा निकालकर सरकार को किसानों को हो रही समस्याओं को अवगत कराने का फैसला किया है। भले ही प्रदेश सरकार खुद को किसानों का हितैषी बता रही हो, जमीनी हकीकत पर गौर करें तो किसानों की दयनीय स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार द्वारा हर रोज किसानों के लिए लोक लुभावन वादों की बौछार कर रही है, इसके बावजूद किसानों की स्थिति कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर सरकार और सरकारी विभागों के अधिकारियों से तंग आए किसानों ने किसान पार्टी के बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद किया है। किसान पार्टी के झंडे के नीचे आए किसानों ने किसान पद यात्रा निकालते हुए प्रदेश सरकार का ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया है। किसान पार्टी के जरिए किसानों ने शनिवार को एतमादपुर तहसील के गांव नगला मानसिंह से किसान पद यात्रा शुरू की। इस पद यात्रा को मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि देश को अन्नदाता ही आगे बढ़ाने के लिए दिन रात खेतों में काम करके लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न कराता है और किसान ही सरकार के सामने अपना हक पाने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है।